धोती में क्रिकेट मैच और संस्कृत में कमेंट्री। जब अंग्रेजों ने जेंटलमैन्स गेम कहे जाने वाले क्रिकेट का इजाद किया होगा, तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस खेल की कमेंट्री दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा में होगी। आपने जेफरी बॉयकॉट, टोनी क्रेग, रवि शास्त्री और नवजोत सिंह सिद्धू की भी कमेंट्री सुनी होगी, लेकिन आज सुनिए संस्कृत के प्रकांड विद्वानों की संस्कृत में कमेंट्री। और सबसे खास बात, खिलाड़ी पैंट टी शर्ट में न होकर तिलक चंदन और चुटिया के साथ धोती कुर्ता में थे, और तो और अंपायर भी रुद्राक्ष की माला पहने फैसले कर रहे थे। ये तस्वीरें वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से आई है। यहाँ शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 74वें स्थापना दिवस पर संस्कृत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ धोती में जमकर बैटिंग हो रही है, ऐसे क्रिकेटर्स भी आपने शायद पहली बार ही देखे होंगे। आयोजकों के मुताबिक संस्कृत क्रिकेट का मकसद है कि वेद पढ़ने वाले बच्चे किसी से कम नहीं है। वो केवल कर्मकांड, पूजा कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि टीका चंदन लगाकर ग्राउंड में छक्के चौके भी जड़ सकते हैं। 8 ओवर के मैच में सारे नियम कायदे भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच जैसे ही थे। हालांकि इन खिलाड़ियों के लिए धोती पहनकर क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता, लेकिन हफ्तों तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं और संस्कृत में कमेंट्री का भी अभ्यास करते हैं। अब इस क्रिकेट मैच को देखकर हम तो यही कहेंगे, जमाना भले ही बदल रहा है, लेकिन भारत की संस्कृति और भाषा हमेशा यूं ही बुलंद रहेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक।